हमारे साथ आज मुंबई कांग्रेस ओबीसी सेल के उपाध्यक्ष निरंजन पाल जी है। आप कैसे कह सकते हैं कि सत्ता में बीजेपी नहीं आ पाएगी? बीजेपी 2019 में सत्ता में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कि बीजेपी ने जो वादे किए थे वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा था कि सभी लोगों के अकाउंट में, हर नागरिक के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। आए क्या? नहीं आए। उन्होंने कहा था कि काला मनी जो बाहर विदेशों में है उनको हम लाएंगे। लाए क्या? नहीं लाए। एक बाबा है, हाँ, वो बाबा हमेशा बोलते थे कि काला मनी लाओ, ब्लैक मनी करते थे। वो बाबा वहाँ भी दिखाई नहीं दे रहे कि बाबा कहाँ चले गए। बाबा को जगह मिल गई फ्री में, उनका प्रोडक्ट बिक रहा है और किसी को पड़ी नहीं है। तब क्या आप मुझे बताओ कि 4 साल के अंदर बीजेपी सरकार ने कौन सा मेडिकल कॉलेज खोला, कौन से इंजीनियर कॉलेज खोले, कौन सी मैक इन इंडिया की उन्होंने फैक्ट्री बड़ी खोल दी, कौन सी बड़ी बड़ी फैक्ट्री अपने भारत में आ गई जिससे रोजगार इतना बढ़ गया कि लाखों करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा, लोगों को काम मिल रहा। कौन सी बड़ी फैक्ट्री खुल गई? ये सब कुछ ही नहीं खुली। जो हमारे कांग्रेस के जमाने की थी सब वही है। बीजेपी सरकार कर क्या रही है? जो हमारे काम थे वही काम कर रही है। उन्होंने नया क्या किया? नया लोगों के लिए कुछ करके दिखाए? जैसे इंजीनियर कॉलेज खोल दिए, आज इंजीनियर कॉलेज की कमी है। अब मेडिकल कॉलेज की कमी है वो खोल के दिखाते। आईटी सेल की कमी है वो खोले। वो सब कुछ नहीं कर रही है। खाली वो बोल रहे बस हम करेंगे। कब करेंगे? 4 साल तो हो गया। राम मंदिर के बारे में आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी सरकार आने वाले सालों में राम मंदिर को बनवा पाएगी या फिर कांग्रेस बनवा पाएगी? बीजेपी सरकार को जब इलेक्शन आता है तभी राम मंदिर की याद आती है। उसके पहले उनको राम मंदिर की बिल्कुल याद आती नहीं है। क्योंकि बीजेपी को सिर्फ के सत्ता में आना है, राम के नाम पे सत्ता का उनको भोग लेना है। अगर राम मंदिर उनको बनवाना होता तो परमवीर तोगड़िया जैसे इंसान, जिन्होंने अपना पूरा जीवन उन्होंने अपने धर्म के लिए दे दिया, उन्होंने अपना पैसा धर्म के लिए दे दिया। आज जाके उन्होंने कहा था कि जिस तरह से सोमनाथ मंदिर गुजरात में संसद पास होके हुआ था उसी तरह से राम मंदिर बनेगा। आज को राम मंदिर की बात नहीं करता। अगर जो राम मंदिर की बात करेगा उसको निकाल दिया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज जिस तरह से परमवीर तोगड़िया जी के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है इसके ये कारण है कि इनको राम मंदिर नहीं बनाना है। आप तो राम मंदिर की दूर की बात तो छोड़ दो, हमारे मुंबई के अंदर मलाड में एक हनुमान जी का जागरूक मंदिर था जहाँ पर लोग लाखों लोग वहाँ पर पूजा करने आते थे। उस वहाँ के जो बिल्डर ने उसको तोड़ने की कोशिश की लेकिन वहाँ पर लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग जमा हो गए और वो मंदिर को बचाया। उसके लिए बड़े आंदोलन हुए, लोगों ने अपने खून बहाए, पूरा मलाड बंद कर दिया। लेकिन वहाँ के भी नगर सेवक बीजेपी के, वहाँ के MLA बीजेपी के, वहाँ के मंत्री बीजेपी के, हाँ मुंबई में महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की, वो एक मंदिर नहीं बचा पाई। वो मंदिर को किसको पता ही नहीं चला और उस मंदिर को तोड़ दिया गया। ये है सरकार। अब राम मंदिर तो दूर की बात है, आप अपने नजदीक घर के हनुमान मंदिर नहीं बचा पा रहे। और मैं कहता हूँ बीजेपी राम मंदिर कभी नहीं बनाएगी। राम मंदिर को बनाना है तो कांग्रेस सरकार ही बनाएगी, क्योंकि जो राम मंदिर का जो ताला जो खुला था वो कांग्रेस ने ही खुलवाई थी और इस बार भी राम मंदिर जो बनेगा वो कांग्रेस सरकार ही बनाएगी।